इसमें देख रेख करनी पड़ती है, पौधे की जड़ नहीं चल रही है तो जड़ की दवा निकालो। अच्छा, पौधा ग्रोथ नहीं ले रहा है, ग्रोथ की निकालो। फूल आ गए, फल लग रहे हैं, उसी टाइम कैल्शियम चलाओ। अच्छा, ऐसे मान लो कि पीला बना रहा है, एक तो मौसम से भी आता है, एक जिंक की कमी रहती है। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हुआ हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, और आज मेरे साथ में आप एक अनुभवी किसान भाई को देख सकते हैं। किसान भाइयों, आप में से भी बहुत सारे किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं, पर क्या आप जितना चाहते हैं उतना प्रॉफिट सब्जियों की खेती से कमा पाते हैं? आखिर रीजन क्या है? जितनी हम कोशिश करते हैं, जितनी हम मेहनत करते हैं, जितना खर्चा करते हैं, उसके मुताबिक आप प्रॉफिट उससे क्यों नहीं कमा पाते? इसका सीधा सा रीजन है कि आप जो सब्जियां लगाते हैं उसका सही समय का चुनाव नहीं कर पाते, और अगर सही समय का चुनाव कर पाते हैं तो आप वो सब्जियां नहीं लगाते जिन सब्जियों का दाम आपको मार्केट से अच्छा मिले, और उन सब्जियों को सेल करके आप ज़्यादा प्रॉफिट उनसे कमा पाए। मेरे साथ में जो किसान भाई हैं वो अनेक तरह की सब्जियां लगाते हैं, और उनमें से मुख्य आप देख पाएंगे यहाँ पे उन्होंने करेले की सब्जी लगा रखी है। करेले की एक ऐसी सब्जी है, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, आप थोड़ा बहुत खर्चा करके बहुत अच्छा प्रॉफिट इसे कमा सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपके पास में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उस जानकारी को फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट इसे कमा पाते हैं। इसमें कितना खर्चा होता है, कितना प्रॉफिट हम इससे कमा सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें। हनुमान साहब बैरवा, गांव पीलिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान। जी जी। तो हनुमान जी, आपका वीडियो पहले भी हमने कवर किया था जी, आपके लगातार फोकस जो रहता है वो सब्जियों पे ही रहता है जी। तो सबसे पहले तो ये बता दें किसान भाइयों को, मुख्यतः कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं? हम करेले, मिर्ची, टमाटर, लौकी, गोभी, मटर, सब करीब करीब पूरी सब्जियां, पूरी सब्जी करते हैं जी। तो करेले की सब्जी की बात कर लेते हैं सर जी। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि किसान भाइयों की जो करेले की जो उनका मचान है वो करीब करीब खाली हो चुका है। अच्छा। उनका एंड हो चुका है, और आपका करेला अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है। तो आपने पछेती यहाँ पे करेले की खेती कर रखी है, तो सबसे पहले तो किसान भाई को ये बताएं कि पछेती करेले की खेती करने से हमको बेनिफिट क्या होता है? पछेती खेती करने से ये प्रॉफिट होता है कि अच्छा बाजार मिलता है। अच्छा, मार्केट में जी ये होता है, और बाकी किसानों के साथ में लगाते हैं तो बाजार कम मिल पाता है। कम मिलता है, वो ज्यादा मार्केट में माल जाता था। वो सब्जी जैसे मान लो कि महीने पहले भी लगा लो, बाद में भी लगा लो, दोनों ही प्रॉफिट मिलता है। या तो आप अगेते लगाओ या पछेती लगाओ।, लगाओ जी। तो हनुमान जी सबसे पहले ये बता दें, ये कितने क्षेत्र में अपना करेला? एक बीघा कच्चा है सर। एक बीघा कच्चा? कच्चा है। किसान भाई 1000 स्क्वायर मीटर में ही लगा रखा है, तो 1000 स्क्वायर मीटर में आखिर हनुमान जी ने कितना प्रॉफिट ले लिया इस खेती से? पूरी डिटेल लेंगे शुरुआत से एंड तक की। किसान भाई अगर मान लो करेले की खेती करना चाहता है जी, तो सबसे पहले तो खेत की तैयारी किस तरह करनी पड़ती है? उसमें खाद डालो बकरी का, फिर उसकी बुआई जोत करो अच्छी तरह जी, फिर उसकी बेड निकालो, जैसे कहते हैं खुले में करते हैं, कहते हैं ड्रिप में करते हैं। तो ड्रिप में करें तो बेड निकाल के नलकी पसार के ये पन्नी पसारो, मल्च भी लगाने पड़ता, मल्च लगाना पड़ता है। मार्केट में पन्नी आती है, छेद वाली भी आती है, बिगड़ छेद वाली भी आती है जी। तो उसमें करीब एक एक पिट का छेद करके उसमें बीज लगा दो। उसमें बीज लगा सकते हैं? बीज लगा सकते हैं। करीब अपन ने 1000 स्क्वायर मीटर में कितना ट्रॉली गोबर का खाद डाला इसमें? इसमें 2 ट्रॉली है। 2 ट्रॉली और बकरी का खाद डाला आपने? बकरी का जी। तो भैंस गाय का नहीं चलता क्या? नहीं, भैंस गाय का नहीं चलता इसमें जी। तो 2 ट्रॉली बकरी का खाद डाल सकते हैं किसान जी। इसके साथ में जैसे रासायनिक खाद भी यूज में लेते हैं आप कोई, तो वो भी बता दे किसान भाई। ले लो डीएपी, डीएपी सुपर फास्फेट आता। अच्छा अच्छा, तो डीएपी कितने किलो लिया आपने इसमें? इसमें 5 किलो बीघा कच्चा का लगता है। 5 किलो बस इतना। और एसएसपी करीब?
एक कट्टा जी। तो इस खाद को डाल करके आप अच्छी तरह जुताई कर लो अच्छी तरह, और उसके बाद में आप बेड निकाल दो। हाँ, बेड। तो बेड करीब करीब कितने डिस्टेंस में बनाए किसान भाई? ये 4 फीट का अंतर है। 4 फीट का अंतर जी। तो अगर आप बताना चाहें कितनी माइक्रोन की आप मल्च लेते हैं इसमें? 22 माइक्रोन की जी। जी तो हनुमान जी, जैसे किसान भाई ने पूरी तैयारी कर ली, ड्रिप भी लगा दी, मल्च भी बिछा दी जी, करीब ड्रिप आप इसमें सिंगल लगाते हो डबल लगाते हो? क्या सिंगल ड्रिप? सिंगल। तो अब आप किसान भाई को वो चीज बताएं जी, जिस जगह हर किसान भाई करीब करीब चूक जाता है। आपने इसका बीज रोपण कौन से समय पे किया? अगस्त में एंड में कि फर्स्ट में? नहीं, फर्स्ट में, 3 तारीख को। 3 तारीख को जी। जी तो जैसे आपने बीज रोपण किया जी, उसके बाद में क्या सावधानी बरती? बीज से बीज की कितनी दूरी रखी आपने? एक फीट जी। तो अपना बीज कितना लगा इसमें करीब? 300 ग्राम बीज। 300 ग्राम काफी रहेगा? काफी खूब है। तो सर जी, बीज रोपण भी किसान भाई ने कर दिया जी, पानी चलाने में क्या सावधानी बरते? कितनी देर पानी चलाई शुरुआत में इसमें? शुरुआत में 5 घंटा। अच्छा, 5 घंटे। एक बार बेड को पूरा गीला कर दो आप? पूरा गीला कर दो। तो फिर उसको छोड़ दो फिर 6 दिन, फिर वो कूड़ दे देगा, फिर 1 घंटा ड्रिप छोड़ दो और बाद में जी, फिर वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर निकल जाएगा। तो हनुमान जी, उसके बाद में पानी कितने दिन के अंतराल में चलाना पड़ता है, कितनी देर तक चलाना पड़ता है अपने को? उसमें अम्मी देख लो उसमें बेड के, ऐसे मान लो बीज क्लियर हो गया, 5-7 दिन में देते रहो। 5-7 दिन में? 5-7 दिन जी। तो करीब करीब सर जी, आपने यहाँ पे जाल भी बना रखा है जी, मचान, ये बीज रोपण के कितने दिन बाद में बनाना पड़ेगा अपने को? 20 दिन बाद में जी। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास में जाल बनाने की, मचान बनाने की जानकारी नहीं है, जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो ऊपर आपको आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा। हमने प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हुआ है कि आप मचान किस तरह से बना सकते हैं। तो सर जी, जैसे किसान भाई ने जाल भी बना दिया जी, जाल पे चढ़ाने की प्रक्रिया किसान भाई को कितने दिन बाद में चालू कर देनी चाहिए अपने पौधे को? वो 20 दिन बाद में ये बेल छोड़ देगी नीचे से। पौधा तैयार हुआ है इतना जी, तो बेल छोड़ देगा। बेल से फिर ये वायर होती है अपनी जी, उसकी नाप ले लो यहाँ से यहाँ तक के। अच्छा, ये लोहे का वायर है ना, यहाँ तक के उसको काट लो, फिर हर पौधे को बांध के और उसके लपेटते जाओ, जो क्रॉस हो जाएगा फिर जाओ, फिर वो ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा। बीच में 2 बार रिटेन करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल। तो सर जी, करीब करीब अपना पौधा जाल तक पहुंचने में कितना टाइम ले लेता है? लेगा कभी करीब 10-12 दिन। 10-12 दिन में क्लियर हो जाएगा। और अपना बीज रोपण के कितने दिन बाद में पूरा जाल भर जाता है ऊपर से? एक महीने में कंप्लीट जाल भर जाएगा? कंप्लीट भर जाता है जी। तो हनुमान जी, किसान भाइयों को, खास करके नए किसान भाइयों को ये भी समस्या आती है कि जो ड्रिप से आप खाद चलाते हो जी, वो भी सही प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाते। तो किसान भाई, शुरुआत में ड्रिप से कौन कौन सा खाद चलाए, क्या मात्रा रख सकता है? ऐसे 19-19 आता है, कैल्शियम आता है, 20-20 आता है, और जड़ की अपने बहुत सारी दवा है जी, उसमें ड्रिप में निकाल दो। अच्छा, ये चीजें चलानी पड़ेंगी? ये चीजें चलाना, इसमें देख रेख करनी पड़ती है। पौधे की जड़ नहीं चल रही है तो जड़ की दवा निकालो। अच्छा, पौधा ग्रोथ नहीं ले रहा है, ग्रोथ की निकालो। अब फल, ऐसे मान लो कि भाई फूल आ गए, फल लग रहे हैं, उसी टाइम कैल्शियम चलाओ। अच्छा, अलग अलग तरीके हैं खाद के भी। बिल्कुल। ऐसे मान लो कि पीलापन आ रहा है, एक तो मौसम से भी आता है, एक जिंक की कमी रहती है, इसमें जिंक चलाओ। तो पीलापन अगर मान लो जैसे मौसम से आता है तो वो एक अलग चीज हो जाती है, वो अलग चीज है। अगर मान लो न्यूट्रिएंट की कमी से आ रहा है तो आपको फिर जिंक चला दो। मैग्नीशियम आता है। अच्छा, ये चलाओ, उससे भी पीलापन दूर हो जाएगा, हो जाता है। तो हनुमान जी, कई किसान भाई करेला करते हैं बेड विधि से। अच्छा। और कई किसान भाई बेड नहीं बनाते, वैसे ही करते हैं। तो आपके हिसाब से ज्यादा अच्छा कौन सा तरीका है? बेड वाला सही होता है, बेड वाला। और बेड से भी ड्रिप से पानी चलाए तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेटर है। तो हनुमान जी, आप बात कर लेते हैं फर्स्ट प्रोडक्शन की जी, बीज रोपण के कितने दिन बाद में फर्स्ट प्रोडक्शन आ जाता है आपका? थोड़ा ही जी, ये आ जाती है 50 दिन में। 50 दिन में 50 दिन। तो सर जी, करेले में तुड़ाई का क्या प्रोसेस रहता है अपना? डेली तुड़ाई करनी पड़ती है इसमें? डेली तुड़ाई करो, जितना माल आता है उतनी तुड़ाई करो जी। ऐसे मार्केट में
ऐसे मान लो रेगुलर मान लो भाई आज 100 किलो भेजना है, कल भी 100 किलो भेजना है, ऐसे रेगुलर 100-100 किलो भेजते जाओ जी जी, 100 किलो 200 किलो जैसे माल निकलता जैसे भेजते जाओ वैसे भेजते जाओ। तो करीब अपनी फसल कितने दिन की हो चुकी है? 3 महीने की। 3 महीने की जी। तो 1.5 महीना हो चुका अपने को तोड़ाई करते तोड़ाई करते जी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा करीब करीब डेली कितने किलो माल तोड़ाई कर देते हो आप? हम कम से कम 150-200 किलो भेजते हैं सर। 150-200 किलो। अपना माल कहाँ पे जाता है? मोहना मंडी। मोहना मंडी जयपुर। जयपुर। तो शुरुआत में दाम क्या मिला था और अब क्या मिल रहा है आपको? शुरुआत में सर स्किन क्या मिला था 43 रुपए किलो। 43 रुपए किलो। अभी क्या चल रहा है मार्केट? अभी चल रहा है 26-28। 26-28 हाँ जी। तो जो 26 बता रहे हैं 25-26 का ये ठीक रहता है मार्केट में? ये रेगुलर चलता है। इतना तो चलता है? रेगुलर चलता है। 20 से कम नहीं आता करेला का बाजार। 20 तो मिलता ही मिलता है। 20 तो मिलता है जी। तो हनुमान जी नए किसान भाई को एक और समस्या आती है जी, इसमें जो बीमारियां लगती है उनको पहचान नहीं कर पाता, उनको पता भी नहीं रहता इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है। तो करेले में मुख्य कौन कौन सी बीमारियां लगती है आपके हिसाब से? देखो इसमें बीमारी तो बहुत होती है, जैसे मच्छर अटैक करते हैं ना इसमें तो वायरस आ जाता है पौधे में। अच्छा जी। उसका प्रकोप से ठीक रखो, उसमें क्या है कि मच्छर मक्खी का स्प्रे डालते रहो तो कोई बीमारी नहीं आएगी। ऐसे मान लो कि मौसम चेंज हो गया, हल्की सी ओस पड़ी, बारिश हुई, ओस पड़ी तो इसमें क्या है कि छाछा लग जाता है। अच्छा। सफेद सफेद हो जाता है। ज्यादा बारिश हो जाती है ना तो जमीन में फंगस लग जाता है, फंगस अपने रूई टाइम में होती है तो उसकी दवा डालनी पड़ती है। फंगस जमीन का है, फंगस ऊपर नहीं आता जी। तो जैसे अपने पौधे की जड़ में फंगस आती है तो ड्रिप से कोई खाद चला? ड्रिप से चलाओ ना, हाई मिल गोल्ड कई तरह की दवाई आती है। कोई देख लो हमारे यहाँ पे अलग तरह की दवा है, कहीं दूसरी जगह अलग अलग दूसरी अलग अलग दवा देते हैं। कोई किसान ये डालता है, कोई किसान ये डालता है, हम तो डालते हैं ये वही। लेकिन आप फंगस की दवा उसमें ड्रिप से चला सकते हैं? ड्रिप से चला सकते हैं जी। तो प्रॉपर ध्यान रखें स्प्रे का, स्प्रे का भी ध्यान रखो। इसमें सफेद सफेद छाछा होता है उसका स्प्रे डालो, उसका स्प्रे ओस पड़ते ही छाछा आएगा जी जी। ब्लाइट आता है, पत्ते सूखने लग जाते हैं, ब्लाइट का स्प्रे डालो जी। तो जैसे मान लो अपना ये जाल पूरा भर चुका तो फिर इसमें स्प्रे कैसे कर सकते हैं अपन? नलकी से ट्रैक्टर से करते हैं ना? ट्रैक्टर से करना? ट्रैक्टर से करते हैं क्योंकि पीठ वाली टंकी से शायद नहीं, नहीं, पीठ वाले तो ऐसे जैसे दे मान लो चल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाएंगे और ऊपर स्प्रे नहीं कर पाएंगे, ऊपर स्प्रे नहीं पाएंगे फिर तो ट्रैक्टर वाली टंकी। ट्रैक्टर वाले से क्या है कि ऐसे फुहार मारते हैं ना तो ऊपर तक खूब जाती है, खूब जाती है। हां जी। तो हनुमान जी अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा 1000 स्क्वायर मीटर में अपना खर्चा कितना हो गया टोटल? टोटल खर्चा बीज सहित है? बीज सहित अपने जाल सहित पूरा 25,000 का। 25,000 जी। और अब तक माल आपने कितने का सेल कर लिया इसे? 1,30,000 का। 1,30,000 का जी। आगे क्या उम्मीद है कितने का माल और सेल कर पाएंगे? 1,00,000 का हो जाएगा। 1,00,000 का और हो जाएगा। तो खर्चा निकाल करके 1,000 स्क्वायर मीटर में क्या उम्मीद लगा सकते हैं कितना बचा लेंगे अपन? 2,00,000 रुपए। 2,00,000 रुपए जी। तो 1,000 स्क्वायर मीटर से अगर 2,00,000 कमाते हैं तो बहुत अच्छी कमाई बोल सकते हैं इसको जी। तो खासकर नए किसान भाई को क्या गाइड करना चाहेंगे कि सब्जियों में आए तो मुख्य क्या ध्यान रखें, क्या ध्यान रख के ज्यादा प्रॉफिट हम सब्जियों की खेती से कमा सकते हैं? किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ जो भी खेती करो, करेले की करो, मिर्ची की करो, टमाटर की करो, कुछ भी करो, उसमें प्रॉपर फंगस का जो भी बेल में हर तरह की बीमारी लगती है उसमें साल संभाल रखो जी जी। भाई इसी टाइम ये बीमारी हो रही आ रही है तो वही स्प्रे डालो जी, अन्यथा और मन डालो उसे और मन डालो नहीं। कहते हैं किसान भाई ऐसे होते हैं कि इसमें आ रही है बिलाइट की और डाल रहे हैं उसकी लटकी जी जी जी। कहते हैं भाई को ये भी नहीं पता होता किसान भाई। तो पहले बीमारी को समझो, बीमारी को समझो और जो बीमारी साल संभाल लो खेत में और उसी की चीज दवा डालो, जो बीमारी उसी की दवा उसकी डालो। तो हनुमान जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला, एक सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बाकी किसानों भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो किसान भाई भी ऐसे आधुनिक खेती करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।